रिसेंटली मैं गया था दुनिया के सबसे बड़े ईवी फैक्ट्री ओला फ्यूचर फैक्ट्री में और यहाँ लॉन्च हुई थी मोस्ट अफोर्डेबल एंड पावरफुल टू व्हीलर ईवी ओला S1X और रिसेंटली इसका ऑफलाइन सेल्स स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं ओला एक्सक्लूसिव शोरूम। भाई चलना क्या, हम तो पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे ओला गुजरा वाला स्टोर और यहाँ पे इनका S1 Pro भी रखा हुआ है, एक स्कूटी डिलीवर करने की भी रखी हुई है। वैसे भाई यहाँ पे इनका दिसंबर टू रिमेम्बर ऑफर लगा हुआ है। ओला की नई वाली स्कूटी S1X+ 90,000 rupees के अराउंड मिल रही है, ऑन रोड प्राइस है। एक बार स्टोर में देखते हैं को छूने में देने वाले हैं ये लोग कि नहीं। और ये वाला स्टोर भी हर ओला के स्टोर की तरह वही व्हाइट मिनिमल डिजाइन और पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मेरे जस्ट पीछे इनकी तीनों ही स्कूटी लगी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे S1 Pro, उसके बाद यहाँ पे S1 Air जिसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पे बना रखी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और भाई इसके बाद ये रही अपनी ओला S1X+ अभी 15 अगस्त को जब लॉन्च हुआ था और ये वाले स्कूटी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ था। और इसकी सेल्स भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास दो S1X+ रखी हुई है जो डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है और दोनों यहाँ पे लिक्विड सिल्वर कलर है। और इस वाले वीडियो में इसी वाले कलर को हम रिव्यू भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो नया वाला S1 Air है और S1 Pro है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या अगले फीचर्स हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो पहले बात करते हैं S1 Air के बारे में, और S1 Air के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं अजय जी। क्या हाल है सर आपके? बढ़िया। मुझे बताइए USP क्या है इस वाले स्कूटी की, जब कोई कस्टमर वॉक इन करता है तो आप क्या बताते हो उनको? जब भी कस्टमर एंटर होता है हम उससे नीड का पूछते हैं, अगर आपको टेक फीचर्स चाहिए, टेक फीचर इन द सेंस OTA अपडेट एंड नेविगेशन आपको स्क्रीन पे चाहिए, तो देन एयर इज अ बेस्ट स्कूटर इन दिस प्राइस। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, म्यूजिक मिल जाता है आपको इसके अंदर, आपको जो सारे फीचर्स रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगे, यहाँ तक की प्रॉक्सिमिटी अनलॉक गाड़ी को आप अनलॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं स्कूटर को। टोटल 6 कलर्स आते हैं जो कि ब्राइट कलर्स है और बहुत अच्छे कलर्स है, जिसकी वजह से ये स्कूटर इस टाइम पे सबसे ज्यादा सेलिंग पे चल रहा है। एक्चुअली मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। हाँ, तो कलर मुझे भी बहुत सही लगा था। S1 Pro के बारे में बात कर लेते हैं, प्रो जो क्या क्या इंप्रूवमेंट के साथ आया है लास्ट ईयर से? S1 Pro हमारा बहुत सक्सेसफुल स्कूटर है, लास्ट ईयर हमारा सेल बहुत अच्छा हुआ था और साल भी हमारा सेल बहुत अच्छा जा रहा है। तो इम्प्रूवमेंट की बात हुई थी, बीच में जो हम्प था वो हटाया गया, फ्लैट बोर्ड किया गया, एंड जो सस्पेंशन है फ्रंट के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, प्लस ग्रैब रेल को चेंज किया गया है। ओके, प्लस इसकी मोटर पावर को इंक्रीज किया गया है, 11 kW की मोटर है, उसी की वजह से इसमें आपका IDC यानी जो इसकी रेंज है वो बढ़ गई है। IDC रेंज जो है 195 किलोमीटर हो गई है एंड ट्रू रेंज दैट इज 181 किलोमीटर हो। और अभी प्राइसिंग क्या आ रही है S1 Pro की? दिल्ली में 162 ऑन रोड प्राइस है, और S1 Air की? S1 Air की 131 ऑन रोड प्राइस है। एंड जो आज की वीडियो की हीरो है भाई S1X+, इसकी प्राइस क्या आ रही है? स्टार्टिंग में इसका प्राइस जो रखा गया था 121 रखा गया था, लेकिन अभी हमारा ऑफर चल रहा है दिसंबर टू रिमेंबर, राइट? मैंने भी आपको देखा, अभी पोस्ट लगा, आपने देखा होगा दिसंबर टू रिमेंबर चल रहा है, जिसमें इसका प्राइस जो है 20,000 डाउन हुआ है। तो अभी इफेक्टिव प्राइस क्या है फिर इसकी? 101,000 rupees। और ये प्राइस बस दिसंबर तक ही रहेगी? ये दिसंबर तक है, जनवरी में शायद चेंज हो सकता है। okay. अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, दिसंबर में रहने वाला है, दिसंबर में रहने वाला है, और इस टाइम पे इस स्कूटर की बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसका USP क्या क्या है इस वाले स्कूटर की? सबसे मेन जो है इसका प्राइस, प्राइस बहुत कम है। के बाद जो रेंज है इसकी 125 किलोमीटर की रेंज है, जो कि इस प्राइस में कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं देता। पहली बात इलेक्ट्रिक स्कूटर आता ही नहीं है। इसकी टॉप स्पीड इसकी 90 की टॉप स्पीड है, स्पोर्ट्स मोड पे। इको मोड में 40 करना आता है। हां 40 जाती है, 40 जाती है। क्या अच्छा लगा इस वाले स्कूटी का सबसे अच्छा चीज? और मुझे 1,00,000 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहा है, अगर मैं मान लूं कि मेरी रनिंग 80 किलोमीटर है तो मेरे रोज के 200 रुपए बचा रही है। अभी रिस्पांस क्या आ रहा है मार्केट में? कस्टमर्स बुक कर रहे हैं, टेस्ट राइड में भी हमारे पास अवेलेबल है, डिस्प्ले में भी अवेलेबल है। हम भी टेस्ट राइड कर ले फिर इसकी? बिल्कुल आप कर सकते हैं टेस्ट राइड, तो एक बार इसके टेस्ट राइड लेके आते हैं। वैसे मैंने देखा भाई कस्टमर एक्चुअल में काफी ज्यादा बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग भाई शूट कर रहे हैं, बीच में रुक भी रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा आ रही है मार्केट में। राइट। चलो ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। और वीडियो के बीच में आपने बार बार खटखट की आवाज सुनी होगी, ये आ रही है इनके सर्विस डिपार्टमेंट से, जो कि बस पीछे ही है, और यहाँ पे सारे स्कूटी सर्विस हो रही है अच्छे से। वैसे आपको भी एक बार क्विक लुक दे देता हूँ दोनों ही स्कूटीज का। पहला वाला जो है ये है S1 Pro वाला वेरियंट, और ये जो कलर है भाई बड़ा कूल लगता है, देखने तो पर्पल है, इसका ऑफिशियल कलर का नाम है एमिथिस्ट, और ये S1 Pro का सेकंड जनरेशन है। इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये इनका ट्विन सस्पेंशन, भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी और सस्पेंशन एक्चुअल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और अच्छी बात यहाँ पे है कि जितनी भी हमारे पास स्कूटी रखी हुई है, चाहे वो S1 Air है, चाहे वो S1 X है, सबके अंदर आपको डुअल सस्पेंशन मिलने वाला है। और सेकंड बड़ा चेंज है,
और सेकंड बड़ा चेंज आया था इसके फ्लैट बोर्ड के अंदर। एक्चुअल में भाई बहुत लोग कंप्लेन था कि भाई सामान नहीं रख पाता हूँ, लेकिन अब वो इश्यूज नहीं आने वाले। और ये वाला भी फ्लैट बोर्ड आपको तीनों ही स्कूटीज में मिल जाएगा। और एक बड़ी कमाल की चीज हुई, अभी हम वीडियो बना ही रहते हैं, हमारे पीछे S1X Plus की फर्स्ट डिलीवरी भी हो रही है इसी वाले शोरूम से। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपने ओला S1X Plus के बारे में और आपको इसके सारे फीचर्स बता देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो ये है इनका लिक्विड सिल्वर कलर, और अगर स्कूटर को आप थोड़ा सा दूर से देखोगे डेफिनेटली इसका जो लुक है वो कंप्लीट ओला वाला फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इसका DRL है ना वो एग्जैक्टली सिमिलर S1 और S1 Pro से लिया गया है, लेकिन जो इसकी बॉडी है वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलने वाली है। और अगर बात करते हैं चेंजेस और तगड़ी चीजों के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी मस्त लगी। ओला S1 Pro फर्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम थी, जैसे कि इसका ग्रैब रिल लिया गया आपको इसके फ्लैगशिप सीरीज से, उसके बाद यहाँ पे इसको फ्लैट बोर्ड मिला है ताकि आप इस पे आराम से अपना सारा सामान लेके आ जा सकते हो। और स्कूटी को अगर आप पीछे देखोगे डेफिनेटली S1 Pro और S1 Air की तरह ही दिखता है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया गया, एक अच्छी बात है। और सेम आपको डुअल ट्विन सस्पेंशन में देखने को मिलने वाला है, मतलब बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिली है। अब इस नए डिजाइन से आपको थोड़ा सा ज्यादा नया लुक मिल गया है, बट यहाँ पे जो थोड़े बहुत वायर्स हैं वो दिख जाते हैं। बट S1 Pro एंड Air भाई प्रीमियम है, ये थोड़ा सा आपको अफोर्डेबल है, डिफरेंस तो होगा ही होगा। और अगर आपको पास बुला के दिखाऊं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आया है इसका मेजर डिफरेंस। यहाँ पे कोई भी आपको टच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाला है, ये एक नॉर्मल सी TFT डिस्प्ले है जिसको आप कंप्लीट कंट्रोल साइड वाले बटन से करने वाले हो। जैसे कि अभी स्कूटी ऑफ हो गई है, यहाँ से इसे प्रेस करके इसको करेंगे ऑन। अब ये मांग रहा है पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के लिए इन दोनों बटन का यूज होता है, जैसे कि इसको बटन दबाता रहूंगा मैं, यहाँ पे नंबर चेंज होगा 1, 2, 3 और ये वाला बटन दबाऊंगा मैं, इससे डिजिट बैकवर्ड्स होता है, जैसे 4 है तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका पासवर्ड भी 1 है, तो 1 1 1 1 1। और अभी स्कूटी अपनी ऑन हो चुकी है, और टाइम तो लेती है भाई लेकिन अफोर्डेबल भी है। अभी इसका स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ है, जितना भी स्कूटी को एक्सेलरेट कर लूं मैं ये चलने वाली नहीं है भाई। तो अभी स्टैंड को कर लेते हैं ऊपर, और यहाँ से ड्राइविंग मोड ऑन कर लेते हैं। ये वाले बटन से आप डिफरेंट डिफरेंट मोड स्विच कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड एंड नॉर्मल मोड, प्रेस होल्ड करोगे तो इको मोड। और रेंज भी आप यहाँ से देख सकते हो, बैटरी 86% है और ये 561 किलोमीटर चल चुकी है। हेलमेट पहन लेता हूँ भाई, सेफ्टी फर्स्ट। चलो इको मोड पे चला रहे हैं अभी। फॉरन 40 की स्पीड ले लिए मैक्सिमम सेटिंग, देखो मैंने पहले भी ओला चला रखा है और ओला के स्कूटर्स भाई बहुत ही क्विकली एक्सेलरेट होते हैं। वैसे ओला का जो S1X सीरीज है इसमें 2 kW और 3 kW दोनों वाले वेरिएंट आते हैं, हमारे पास एक टॉप वाला वेरिएंट है और एक्चुअल में परफॉर्मेंस भाई एपिक आ रही है। और ये बस इको मोड था। अब यहाँ से प्रेस करके मोड बदल लेते हैं, यहाँ से आप हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से रिवर्स मोड ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो रिवर्स यहाँ पे आ रहा है, अगर एक्सेलरेटर को उल्टा घुमाएंगे ना तो ये रिवर्स जाती है, बहुत कूल लगता है देखने में। और अगर एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो स्कूटी आगे नहीं जा रही है, तो इसके ना फीचर्स तो काफी तगड़े हैं। और ये दोनों बटन से आप इंडिकेटर ऑन कर सकते हो, और ये है इसका हॉर्न बटन। और हॉर्न की क्वालिटी कैसी है आप कमेंट बताओ। तो ओला S1X के अंदर फीचर्स और पावर तो काफी तगड़ा है, लेकिन अगर बात करते हैं प्राइस के बारे में भाई वो सबसे ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि इसकी प्राइस आ रही है 90,000 rupees। जो वीडियो के स्टार्ट में देखा था डिसम्बर टू रिमेम्बर ऑफर, उसमें आपको 20,000 rupees कम्प्लीट इसके ऊपर कम हो रहे हैं, और ये आपको 90,000 rupees मिलने वाली। और 90,000 rupees के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ईवी स्कूटर है। और जितनी टेस्टिंग की मैंने इसके ऊपर, डेफिनेटली भाई बहुत ज्यादा इम्प्रूव और परफॉर्मेंस सेंटर की स्कूटी है, जिसको आप डेली लाइफ में आराम से यूज कर पाओगे। और ये वाला ऑफर आपको बहुत ही लिमिटेड समय के लिए, दिसंबर तक ही है, जनवरी में शायद होगा। तो सिंपली आप अपने नजदीकी ओला शोरूम में जाके इसको अभी बुक कर सकते हो, क्योंकि आपको 0 down payment जैसे अट्रैक्टिव ऑफर्स भी है इस पे, और सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड पे 5,000 rupees का और डिस्काउंट भी है, मतलब 85,000 rupees में आपको ये स्कूटी मिल सकती है, जो हैंड्स डाउन एक बहुत ही अच्छी प्राइस है। और इस नोट के साथ इस वाले वीडियो को लेते रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। ओला S1X का कंप्लीट डिटेल रिव्यू देखना है, आप कमेंट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो फॉर मोर ऑसम टेक एंड ऑटो कंटेंट। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।